हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन दिस मास्टर करंट अफेयर क्विकली ऑन 10th of August। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज टू गिव यू कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली गेटिंग इन टू द क्वेश्चन आंसर मोड अबाउट लर्निंग करंट अफेयर फॉर अवर क्लैट। दोस्तों, क्लैट 2021 एंड 2020 गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग कि भैया करंट अफेयर अगर करना है तो रोज करना पड़ेगा, अकेले अकेले आखिरी के एक महीने में दो महीने में नहीं होगा भैया। इज दैट ओके? ग्रेट। सो दोस्तों, रोज करना है तो इसीलिए प्रो टैलेंट आपके लिए हर रोज 15 क्वेश्चन लेकर आता है और उन 15 क्वेश्चन के पीछे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा। लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस। 10th of August की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये स्टेटमेंट को कंसिडर करिए और बताइए क्या आंसर होगा। शी इज अ प्रोफेशनल गोल्फर फ्रॉम कर्नाटका। शी इज द फर्स्ट एवर गोल्फर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट ओलंपिक्स। शी केम फोर्थ। बस थोड़ा सा मिस हो गया ब्रॉन्ज लाने से, बट कोई नहीं, पहली बार पहुंचे अच्छे पहुंचे। ये सुनो, अंदर टोक्यो 2020 ओलंपिक्स गोल्फिंग के लिए। एंड तो ये लेडी कौन है भैया? ठीक है, तो ये लेडी है अदिति अशोक। ये सुनो, आई एम श्योर ऑल यू हैव हर्ड हर अदिति अशोक। ठीक है, वाज वेरी क्लोज टू हिस्टोरिक मेडल। अगर पहली पहली बार में हम पहुंचे और मेडल लेकर आते तो क्या ही हो जाता, पर दैट्स ओके। ठीक है, चौथे नंबर पे पहुंची वंडरफुल लाइक पीटी उषा। ये सुनो, आपको याद होगा एशियन गेम्स में पीटी उषा कुछ सेकंड की वजह से रह गई, पर पीटी उषा ने जो एक इमेज लोगों के मन में क्रिएट करी कि भैया तुम दौड़ सकते हो और दौड़ के जीत के आ सकते हो। सिमिलरली यहां पे गोल्ड, ठीक है, नहीं आया ब्रॉन्ज, नहीं आया सिल्वर, नहीं आया, पर गोल्फ के अंदर अदिति अशोक ने एक ऐसे बड़ा काम किया। ओके, ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो दिस इज अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, एंड हर अगेन से डेब्यू वॉज इन 2016 समर ओलंपिक। ठीक है, वेयर शी स्टूड एट 41st। क्या मजा है, 41st से सीधे 4th पे जाना। ठीक है, ये तो ऐसी बात हो गई कि भैया प्रोटैंक कोर्स कर दिया। ठीक है, तो भैया लास्ट टाइम NLU मिला नहीं था और इस बार तो पक्का NLU लेके निकले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द नेम ऑफ काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड, ठीक है, कांड इज डेफिनेटली अ नेगेटिव वर्ड एंड देयर बाय उसको चेंज करने की जरूरत थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन करके वर्ड यूज करा। भैया हमारे ही लोगों ने ब्रिटिशर के सामने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसको हम कांड क्यों बोले? इतने समय से हम कांड बोलते आ रहे थे, जो बिल्कुल गलत है। यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इसको चेंज किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज इंडिया। इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दिस। नाउ व्हाट इज दिस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम? दोस्तों, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज अ पॉलिसी डिस्कशन फोरम। ओके, इट इज अ पॉलिसी डिस्कशन फोरम। इट इज कमिंग फ्रॉम, मतलब द पीपल आर नॉट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट एरिया बट दे आर कमिंग फ्रॉम वेराइटीज ऑफ द प्लेसेस। ठीक है, मतलब दे आर फ्रॉम इंडस्ट्री, दे आर एडवोकेट्स ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, सो दैट वे दे आर डूइंग इट। ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम October 20, ठीक है, वी हैव द मीटिंग। द थीम इज इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। ओके, सो याद रखिएगा दोस्तों, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ डेप्यूटी NSA लेवल ऑफ इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका हेल्ड रिसेंटली। इट वॉज हेल्ड एट कोलंबो। दोस्तों, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग वॉज अ पार्ट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। बिल्कुल याद रखिएगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू थिंग विच इज कमिंग अप। प्लीज रीड मोर अबाउट
what do you mean by Colombo Security Conclave? When you know about it, Colombo Security Conclave, you will get to know a lot about the world around you. Okay, तो इसको चेयर कर रहे थे श्री लंका के जनरल LHSC सिल्वा, ठीक है, वो उसको एक इनसे चेयर कर रहे थे. With reference to super shoes, which of the following statements are right? Super shoes क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं. It helps athletes save 4% more energy than a competitor who doesn't wear them. Okay, World Athletics, the governing body for the track and field sports, approve super shoes, but with regulation on foam thickness as well as other parameter. अब भैया आपने को सुपर शूज ही नहीं पता हो तो ये सब कहां से पता होगा. चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज सुपर शूज. ये रहे आपके सामने, है ना, ये है सुपर शूज, है ना भैया, जूते पहनते हैं. कौन पहनता है, ठीक है भैया, ये पहनते हैं आपके एथलीट्स, ठीक है. और रिसर्च बोलता है कि एक एनर्जेटिक एडवांटेज मिलता है, ठीक है, बराबर. बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर डाली गई है, फोम के बारे में बात है, ये सनो, ठीक है, कार्बन फाइबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, फिर उसके जो स्ट्रिंग्स है उसके बारे में बात है. तो समझ लेते कि एग्जैक्टली ये सुपर शूज की शुरुआत कहाँ से हुई. इट स्टार्टेड इन 2016 रियो ओलंपिक्स, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स ने अलग अलग तरीके से इसको यूज करा और अचानक से लेकिन से रिकॉर्ड ब्रेक होने लगे, ठीक है. 2016 ओलंपिक के अंदर इतने ज्यादा ओलंपिक के रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड्स सब बनने लगे, ठीक है. तो भैया लोगों का ध्यान गया कि एग्जैक्टली क्या पहन रहे हो भाई साहब तुम लोग, ठीक है. तो एथलीट ने पहनना चालू करा था 2016 से. 2020 के टोक्यो के अंदर भी उन्होंने तगड़े परफॉर्मेंस दी है, ठीक है. क्रिटिक्स बोलते हैं कि भैया ये जो आप शूज पहनते हो वो एक तरीके का डोपिंग नहीं हुआ क्या, आप दवाइयाँ लेते हो, दवाइयों से अपनी एनर्जी एक इनसे बढ़ाते हो, ठीक है, तो इजंट इट लाइक टेक्नोलॉजिकल डोपिंग. उनके मुताबिक इट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल डोपिंग, ये सुनो, ठीक है, कि भैया आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए लोगों को स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो नॉट ओके, ठीक है. नाइकी का ये वेपर फ्लाई सीरीज है. कैसी सीरीज है, वेपर फ्लाई सीरीज. उसके बहुत सारे टेस्टिंग करे गए और जिसकी वजह से एथलीट्स कैन सेव अप टू 4% मोर एनर्जी देन अ कंपटीटर हु डजंट वियर देम. 4% की बेनिफिट मिलती है, 4% है ना, 0.001 सेकेंड के में, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है. लेटर ट्रैक स्पाइक्स शूज दैट हैव स्पाइक अंडर इट, ठीक है, दे गिव रनर्स अ ग्रिप, और वो भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने लगे, ठीक है. तो ये जो आप लोग फुटबॉल में देखते हो तो वहाँ स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, ये दौड़ने वाले लोगों के लिए भी स्पाइक दिया, ठीक है. सो दोस्तों जो ट्रेडिशनल स्पाइक्स होते थे, ठीक है, जो ज़्यादातर एक ऐसे चीज़ों को ग्रिप लेने में मदद करते थे, पर होता यह था कि जो मिड सोल का जो पाइक वाले शूज़ होते हैं उसके अंदर जो मिड सोल होता है उसका जो फोम होता है ना, तो ये फोम ये लोग थोड़ा कम कर देते हैं ताकि उसका वेट कम हो जाए, ये सुनो, ठीक है भैया. वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इसको अप्रूव तो करके रखा है बट प्रॉपर रेगुलेशन के साथ, ये सुनो. सो भैया क्या होगा, इट सेव्स 4% ऑफ एनर्जी, यस दैट्स राइट. वर्ल्ड एथलेटिक्स गवर्निंग बॉडी फॉर ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स अप्रूव सुपर शूज बट अ रेगुलेशन ऑन फोम थिकनेस एज वेल एज अदर पैरामीटर, ट्रू. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, वेरी गुड. UN सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट के बारे में भी कुछ बातें चल रही थी, ये सुनो क्या बातें चल रही थी. भाई मोदी साहब वॉज गोइंग टू चेयर, ही वॉज प्रिसाइडिंग ऑन दिस ओपन डिबेट, इज दैट राइट. यस, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू डू दैट, यस दैट इज राइट. ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली ओपन डिबेट होता है जो फोकस करता है कैसे काउंटर करे अलग अलग चीजों के बारे में, जो यहाँ पे उन्होंने बात करी थी. ठीक है, मिस्टर मोदी विल चेयर दिस हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी. ठीक है, ये 9 अगस्त को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने किया था.
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने किया था, बराबर है। यहाँ पे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, हालांकि ऐसा नहीं था। ये वाला सीन तो बस आपको थोड़ा चमकाने के लिए कि मैं मोदी साहब पूरी ग्रुप के सामने प्रेजेंट कर रहे थे, दिस वाज अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, और ये रहे मोदी साहब, और ये सब लोग बाकी यहाँ पे बड़े बड़े लोग मिलकर बातें करें कि मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए। आपको याद होगा भारत के इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, इतना सारा कैसे कार्गो का मूवमेंट होता है, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फोकस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। मिस्टर मोदी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू प्रिसाइड ओवर दिस ओपन डिबेट, ओके, याद रहेगा दोस्तों। चलिए ग्रेट, सो आंसर क्या होगा भैया, बोथ आर राइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी गो टू क्वेश्चन नंबर अगेन से 7। हियर वी वर लुकिंग एट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है भैया, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है, जो अभी मीटिंग होने वाली है, ठीक है, दैट इज हैविंग अ थीम कॉल्ड इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। बिल्कुल सही बताया था हमने, अभी आपसे बात करी थी। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज अ यूएन बेस्ड फोरम टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव टूगेदर फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स considering at all at par to discuss public policy issues related to internet. बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मल्टी स्टेकहोल्डर कॉन्सेप्ट है, समझिए। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है, जैसे IPCC, यस नो, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है भैया। कुछ होती है मल्टी स्टेकहोल्डर कॉन्सेप्ट, तो ये वाली जो है वो मल्टी स्टेकहोल्डर कॉन्सेप्ट वाली है, यस नो। एग्जाम में पूछा गया था ना क्लैट 2021 में कि भैया फलानी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, ठीक है, कि भैया वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है या इट इज अ मल्टी स्टेकहोल्डर बॉडी है, और वेदर इट इज अ स्टेचुटरी बॉडी, और वेदर इट इज अ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट जेवलिन थ्रो के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ गया है, बट दैट्स ओके। इट वॉज एडेड इन द एंशियंट ओलंपिक्स एज अ पार्ट ऑफ पेंटाथलॉन इन 708 BC एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स प्रोग्राम हैड इनिशियल थ्रो फॉर मैन एंड वुमेन इन 1932। यहाँ ऑप्शन भी थोड़े से गलत है, ठीक है, क्या होना चाहिए था, ये राइट है, बिल्कुल राइट है। 1932 में मैन वुमेन दोनों के लिए नहीं, 1908 में मैन के लिए और 1932 में वुमेन के लिए, विच मीन्स ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट, ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमने 708 BC में एंशियंट ओलंपिक में ये इंक्लूडेड था, बट जेवलिन केम टू द पावर ए फॉर मैन इन 1908 एंड फॉर वुमेन इन 1932। दोस्तों ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात है, दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, जो लोग साइंस के बच्चे हैं उनको आइडिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है यहाँ से कोई चीज़ थ्रो करी और वो फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुँचती है, तो आपने यहाँ पे क्या एंगल लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, ठीक है, आपके पास दो एंगल पॉसिबल है, वन एंगल इज थीटा, अदर एंगल इज 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा भी होगा तो भी ऐसे करके ऊपर करके यू नीचे पहुँचेगा, ठीक है, सो देर आर टू एंगल्स, ठीक है, विच विल पुट यू एट द सेम प्लेस, सेम टारगेट, ओके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। साइंस के बच्चों को बातें समझ में आ रही होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। रिसेंटली इंडिया इन विच कंट्रीज नेवी has conducted bilateral Zayed Talwar 2021, it is UAE, और आपने सुना होगा Kochi was in the news for many times, ठीक है, only for this, ठीक है, क्योंकि INS Kochi has worked in this particular exercise and possibly it was a last, you can say, time it is going to run. Mohammed Mokhber became the first vice president of which of the following country? He became first vice president of Iran. Ibrahim Raisi was the president of Iran, jo abhi recently elect hue the. He is known as ultra conservative. He was the head of the Supreme Court there. Okay, and wahan pe jo Imam Khomeini hai, ठीक है, वही फाइनली सब कुछ डिसाइड करते थे, है ना, और आयतुल्ला अल खोमेनी बोलते हैं इनको, और उन्होंने मोहम्मद मुखबिर को बोला कि भैया इनको तो लगा दो, ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वाज रिटन अ बुक द ईयर दैट वाज नॉट, दैट इज दैट यू कैन से द कोरोना ईयर, द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड गर्ल, ओके,
year girl, okay, not gold, okay, 14 year old girl, that is Brisha Jain ने लिखी थी, ठीक है, और शबाना आजमी ने उसको लॉन्च करी थी, ठीक है, that is wonderful दोस्तों. Where will the International Army Games 2021 will take place? It will be taking place at Russia. दोस्तों, इंडिया की तरफ से 101 मेंबर का कॉन्टिंजेंट भेजा जाएगा. Now what is this International Army Games? International Army Game is a part of Russia International Army Game. It is a sports event organized by Russian Army and primarily it is promoted for military to military cooperation. Okay? So याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया की तरफ से 101 मेंबर का कॉन्टिंजेंट ये भेजा गया है. Whereas this cyclothon program Pedal for Dal had been organized. अगर आप इसको पता हो दाल क्या है तो पता, दाल मतलब गदाते वो वाली दाल नहीं है, ये दाल लेक के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियस है आंसर हो गया जम्मू कश्मीर. कितना इजी हो गया. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मिस्टर मनोज सिन्हा जी ने एक ऐसे दाल लेक पे साइक्लोथन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी थी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में बातें हो रही है. क्या बातें हुई. पहला मुद्दा, द बिल एड्स the Abor tribe to the list of identified STs in Arunachal Pradesh and constitution empowers president to specify STs in various states and union territories. अब ये statement को समझने के लिए कुछ और data चाहिए. दोस्तों, recently constitution order has been passed which is known as constitution scheduled tribes order amendment bill 2021. ठीक है, राज्यसभा ऑलरेडी अप्रूव कर चुका था तो हमें पास हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली एक इनसे पास हो गया. तो ये किसको अमेंड करेगा. इट इज अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 को ये अमेंड करेगा. ये सुनो, ये कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट साहब को टू स्पेसिफाई एसटीज इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. ठीक है, and it also permits parliament to modify this list of notified STs. ठीक है, तो इस बार क्या किया गया, bill removed Abor tribe from the list of Arunachal Pradesh के ST में से उनको निकाल दिया. ठीक है, and it replaces certain STs with other tribes in the list. Khamti is replaced with Tai Khamti. Mishmi, Idu, तो Tauran has replaced with Mishmi Kaman, Idu and Taraon. Momba is replaced with Monpa, Memba, Sartang, Sajulang. And any Naga tribe is replaced with Nukte, Tangsa, Tuta, Wancho. ठीक है, so दोस्तों, ये इस statement के मुताबिक अगर बोले तो ये statement गलत है. Only two is right. Abor tribe has been removed from this constitution scheduled tribe order amendment bill. Okay, समझ में आया दोस्तों, constitution scheduled tribe order amendment bill is amending constitution scheduled tribe order of 1950. ठीक है, उसको amend करता है, उसमें list में change करते हैं, that is what the idea is. With reference to intergovernmental panel on climate change, that is IPCC 6th assessment report which is known as climate change 2021 physical science basis. याद रखिएगा दोस्तों, ये रिपोर्ट का नाम क्या है, छठा रिपोर्ट, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको साल भर इसको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना. ठीक है, फिजिकल साइंस बेसिस, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है. वार्मिंग ऑफ द ओशन वुड लीड टू राइज इन सी लेवल लीडिंग टू फ्रीक्वेंट एंड सीवियर कोस्टल फ्लडिंग एट द लो लाइंग एरिया. बिल्कुल सही बात है. Planet is irrevocably headed towards warming 1.5 degree Celsius over the pre-industrial era in the next two decades. Bilkul sahi hai dosto. Indian Ocean is warming and thereby there is higher rate with respect to all these problems. Jo hamari yahan pe jis tarike ki cyclone aa rahi hai Indian Ocean mein, that is creating all the more trouble. They are also saying that coastal areas will be flooded. Low-lying area will be flooded heavily and planet is irrevocably heading towards warming
ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीसीसी महत्वपूर्ण काम करता है, सो दोनों स्टेटमेंट वन टू आर राइट। ओके चलिए ग्रेट दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा आईपीसीसी के बारे में। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट, सो दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेन लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रो टैलेंट्स कंटेंट। ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।